इन वीरों ने शेखावाटी में खत्म किया था मुस्लिम राज्य। शेखावाटी के फतेहपुर, झुंझुनू व आसपास के इलाके पर कायम खानी मुस्लिम शासकों की कई छोटी बड़ी नवाबियां थी। आपको बता दें, कायम खानी मुसलमानों की रगों में चौहान वंशी राजपूती खून दौड़ रहा है। यानी कायम खानी मुसलमान पहले चौहान राजपूत थे, पर उनके पूर्वज करमचंद द्वारा मुस्लिम धर्म स्वीकार कर अपना नाम कायम खान रखने के बाद उसकी संतति कायम खानी मुसलमान कहलाने लगी। करमचंद वर्तमान में चुरू जिले में ददरेवा के मोटेराव चौहान का पुत्र था। मोटेराव चौहान के चार पुत्र थे, जिनमें तीन मुसलमान बन गए और चौथा जगमाल हिंदू रहा। कायम खान के वंशजों ने दिल्ली के बादशाहों से मधुर संबंध रखे और बादशाह की ओर से कई युद्धों में वीरता प्रदर्शित की। कायम खान के इन्हीं वंशजों ने फतेहपुर, झुंझुनू आदि के साथ ही कई छोटे छोटे राज्य स्थापित कर लिए। शेखावाटी क्षेत्र में कायम खानी मुस्लिम नवाबों के इस शासनकाल को इतिहास में नवाबी काल के नाम से जाना जाता है। कायम खान ने सन 1419 में अपनी मृत्यु होने तक शासन किया। उसके बाद उसके विभिन्न वंशजों ने इस क्षेत्र पर शासन किया, लेकिन शेखावाटी के दो शेखावत वीरों ने सन 1729 तक इस क्षेत्र से मुस्लिम राज्यों को खत्म करके केसरिया ध्वज फहरा दिया। ये वीर थे सीकर के राजा शिव सिंह जी व शार्दुल सिंह जी शेखावत। आपको बता दें, शार्दुल सिंह झुंझुनू के नवाब के दीवान थे। झुंझुनू का सारा राज कार्य उनकी सम्मति से चलता था। शार्दुल सिंह जी बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्हें फतेहपुर के नवाब द्वारा अपने क्षेत्र के दो ढाड़ियों व अपने कुछ स्वजातीय बंधुओं की हत्या का बदला लेना था। शार्दुल सिंह जी ने अपने भाइयों के साथ ही सीकर के राजा शिव सिंह जी से बातचीत कर क्षेत्र से नवाबी राज्य खत्म करने की योजना बनाई। इस योजना अनुसार फतेहपुर शिव सिंह जी के अधिकार में तथा झुंझुनू शार्दुल सिंह जी के अधिकार में रहना था। दोनों वीरों ने एक दूसरे का सहयोग करते हुए आखिर क्षेत्र से सभी नवाबों को खत्म कर दिया। इसके लिए उन्होंने जयपुर के महाराजा जय सिंह जी का भी समर्थन लिया, ताकि कायम खानियों को दिल्ली से मिलने वाली सहायता रोकी जा सके। यही नहीं, युद्ध के लिए धन की व्यवस्था के लिए शिव सिंह जी सीकर को अपने 80 गांव गिरवी भी रखने पड़े थे। फतेहपुर के साथ छोटे मोटे तीन युद्ध व कई और छोटे मोटे युद्धों के बाद इन दोनों वीरों ने फतेहपुर व झुंझुनू पर अधिकार कर लिया। फतेहपुर सीकर राजा शिव सिंह जी के अधिकार में रहा तथा झुंझुनू पर शार्दुल सिंह जी का राज्य रहा।